हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अजीम प्रेम जी स्कूल की तरफ से ऑल सब्जेक्ट के लिए टीचर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट है, परमानेंट पोस्ट है और सैलरी मिनिमम जो ऑफर करते हैं वो 45,000 रहती है, उसके ऊपर भी हो सकती है। तो जब अजीम प्रेम जी स्कूल कई अलग अलग स्टेट्स में है तो अलग अलग स्टेट से एक साथ वैकेंसीज आती हैं इसमें और रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो एक साथ ही होती है। तो चलिए फिलहाल देख लेते हैं कि क्या क्या पोस्ट हैं और कौन कौन से स्टेट में वैकेंसीज फिलहाल हैं, कैसे एप्लीकेशन करनी है वगैरह, सारी डिटेल आगे वीडियो में हम चेक कर लेंगे। तो ये ऑनलाइन जो एडवर्टीजमेंट है ऑनलाइन ही आपको देखने को मिलेगी करियर सेक्शन में। इसमें अलग अलग काफी लंबी एडवर्टीजमेंट है तो नीचे तक हम देखेंगे अलग अलग पोस्ट है। और इसमें सबसे पहले यहाँ पे आप देखें, मैं हाईलाइट कर लेती हूँ, राइट हैंड साइड में अपर कॉर्नर में अप्लाई बाय 21 जुलाई 2023, 21 जुलाई 2023 तक आप एप्लीकेशन कर लें। इसके बाद भी अगर आपको वीडियो मिलती है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बट 21 जुलाई तक जो एप्लीकेशन करेंगे कैंडिडेट उनके लिए जो है ऑनलाइन टेस्ट होती है, ऑनलाइन टेस्ट 29 जुलाई 2023 को होगी, जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। तो सबसे पहले प्राइमरी सेक्शन में वैकेंसीज हैं, यहाँ पर अभी देख लेते हैं। लेफ्ट साइड में अपर कॉर्नर में आप देखें करियर्स में सबसे पहले प्राइमरी के लिए वैकेंसीज हैं, ऑल सब्जेक्ट प्राइमरी में ऑल सब्जेक्ट, जिसमें कि फिलहाल आपको कर्नाटका यादगीर में, धामतारी छत्तीसगढ़ में, टोंक एंड सिरोही राजस्थान में और उधम सिंह नगर और उत्तराकाशी उत्तराखंड में, इन जगह पर जॉब लोकेशन आपको पोस्टिंग मिलेगी। तो इनमें से किसी जगह पर आप काम करना चाहते हैं तो प्राइमरी सेक्शन के लिए पहले अप्लाई कर सकते हैं, ऑल सब्जेक्ट है। अब इसमें देख लेते, इसके अलावा और भी है, नीचे देखेंगे वन बाई। इसमें डीएड, बीएड, बीपेड सभी अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस है तो अच्छी बात है, नहीं है विदाउट एक्सपीरियंस भी अप्लाई कर सकते हैं, नॉट मैंडेटरी यहां पर लिख दिया है, मतलब एक्सपीरियंस रहेगा तो प्रेफरेंस देंगे, नहीं है मैंडेटरी लेकिन नहीं है, फ्रेशर है आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तब भी अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे जो और वैकेंसीज है वो देख लेते हैं। फिर एलिमेंट्री टीचर के लिए वैकेंसी है, इसमें इंग्लिश, हिंदी, कन्नड़ा, संस्कृत, साइंस, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, स्पोर्ट्स, म्यूजिक एंड आर्ट के लिए वैकेंसी है। ये भी यादगीर कर्नाटका, धामतारी, टोंक एंड सिरोही राजस्थान, उधम सिंह नगर, उत्तराकाशी उत्तराखंड में है वैकेंसी। इसमें भी अप्लाई करने के लिए डीएड, डीएलएड, बीएड, बीएलएड जो भी है आपके पास आप अप्लाई कर सकते हैं। म्यूजिक और आर्ट के लिए टीचिंग एक्सपीरियंस डिजायरेबल है, मैंडेटरी नहीं है, किसी भी पोस्ट के लिए नॉट मैंडेटरी, एक्सपीरियंस नॉट मैंडेटरी है तो अच्छी बात है। तो यहाँ पर सभी पोस्ट में आप देखेंगे कि रेगुलर या टेम्पोरी क्या है, तो यहाँ पर लिख दिया रेगुलर है, फुल टाइम है या पार्ट टाइम है तो लिख दिया है कि फुल टाइम है और रेगुलर है, मतलब परमानेंट वैकेंसीज हैं जब तक आप काम करना चाहेंगे, और मैनेजमेंट भी, मतलब जॉब सिक्योरिटी बेटर मिलेगी। इसके बाद सेकेंडरी सेक्शन के लिए टीजीटी, जिसे आप बुलाते हैं टीजीटी के लिए भी वैकेंसीज है, जिसमें इंग्लिश, हिंदी, साइंस, सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है। ये फिलहाल उधम सिंह नगर उत्तराखंड में सिर्फ वैकेंसी है इसके लिए, इसमें भी डीएड, बीएड, डीएलएड लिख दिया इन्होंने सभी में, पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएट है तो अच्छा है, पोस्ट ग्रेजुएट, डीएड, बीएड इसमें भी सभी अप्लाई कर सकते हैं, डीएलएड, बीएलएड जो भी अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके बाद और वैकेंसीज हैं क्या देख लेते हैं। तो ये है, नीचे में इन्होंने लिख दिया ऐसे, ये बाय मिस्टेकन होगा। तो इस पे रिसोर्स पर्सन की भी वैकेंसीज रहती है, तो रिसोर्स पर्सन वाली अलग से वैकेंसी की का डिटेल कवर कर देते हैं। फिलहाल 21 जुलाई तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो टू नो मोर एंड अप्लाई फॉर रिसोर्स पर्सन, यहाँ पे अप्लाई करना, यहाँ पे देखें टू नो मोर एंड अप्लाई फॉर स्कूल टीचर पोजिशन, यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे से आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सिलेक्शन प्रोसेस जानना चाहते हैं तो सिलेक्शन प्रोसेस यहीं पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। सिलेक्शन प्रोसेस अजीम प्रेम जी फाउंडेशन में मेरे एक सब्सक्राइबर की बहुत पहले जॉब हुई थी, तो उन्होंने बताया कि 4 स्टेप इंटरव्यू होती है, एक तो रिटर्न ऑनलाइन टेस्ट हो रही है, तो स्कूल टीचर के लिए अप्लाई करना है तो फिर यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ से जो भी है, उत्तराखंड से जो भी है, कर्नाटका से है और राजस्थान से, इन सब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जाके आप क्लिक करेंगे, जैसे कि सपोज छत्तीसगढ़ में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें अप्लाई का जो लिंक है ओपन होगा, इसमें आप जाके अप्लाई कर दें। अप्लाई यहाँ पे देखें, अप्लाई ऑप्शन दिया है तो वो कर दें। तो मैं ये पेज आपको, इस पेज की जो, इसमें सैलरी जैसा प्रीवियसली 2 सब्सक्राइबर के यहाँ पे जॉब हुए, एक रिसोर्स पर्सन में और एक टीचर में, तो रिसोर्स पर्सन वाले जो व्यूअर हैं जिनकी रिसोर्स पर्सन में सिलेक्शन हुई, उन्होंने बताया था कि 45,000 ऐसे
मिनिमम सैलरी दे रहे हैं, तो उसी हिसाब से मैंने लिख दिया थंबनेल पे 45,000, क्योंकि अजीम प्रेम जी फाउंडेशन जो है ना नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जो गरीब बच्चों को पढ़ा रही है अलग अलग जगह पे, तो इसमें काम करना भी आपको अच्छा लगेगा, ये अलग टाइप का जो इसमें टीचिंग एक्सपीरियंस और वर्क एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। तो इसकी जो लिंक है जो आप स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं, ये लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर देती हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लें, लिंक आपको अवेलेबल मिल जाएंगी। बेस्ट विशेस, थैंक यू।